जय हिंद दोस्तों, ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र, और इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे सिंधु और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो सिंधु नदी है, जो यहाँ पे ये सिंधु नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं कि जो सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है, ये मानसरोवर झील से हो रहा है। और मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है तिब्बत में। तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील, और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। इस ये तो हो गया मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास ग्लेशियर है। ग्लेशियर कौन से हैं, तो इस मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, ग्लेशियर या बोखर चू हिमानी, बोखर चू हिमानी। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील से। झील पूछे तो मानसरोवर झील, अगर ग्लेशियर पूछे तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या बोकरचू हिमालय, इसका उद्गम होता है। और जो सिंधु नदी है, यह भारत, ये चीन, भारत, पाकिस्तान, तीन देशों से होके बहती है। और सिंधु नदी तिब्बत से प्रवाहित होते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। और सिंधु नदी भारत में जहाँ प्रवेश करती है, तो यहाँ पर एक स्थान है दमचौक। सिंधु नदी भारत में दमचौक के निकट प्रवेश करती है, और फिर भारत से जहाँ पर यह पाकिस्तान में निकलती है, तो पाकिस्तान में जो जगह है वो है चिल्लास। यानी कि सिंधु नदी भारत में दमचौक के निकट प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में चिल्लास के निकट यह प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई की अगर बात किया जाए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, सिंधु नदी की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और भारत में इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। तो ये तो हो गई सिंधु नदी। अब इस सिंधु नदी के अगर प्रवाह को देखा जाए, तो इस नदी का जो प्रवाह है वो कुछ इस तरफ से है, इस दिशा में। तो सिंधु नदी के प्रवाह को देखते हुए कि ये इस तरफ से बह रही है, तो सिंधु नदी के ऊपर का जो भाग होगा ये होगा दाया, और सिंधु नदी के नीचे वाला भाग होगा इसका बाया। तो इस प्रकार से सिंधु की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको दाएं और बाएं दो भागों में बांट देते हैं। तो इस प्रकार से सिंधु नदी में दाई ओर से मिलने वाली इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हो जाएंगी स्योक, काबुल, कुर्रम, तोची और गोमल। और इसमें बाई ओर से जो मिलने वाली इसकी प्रमुख नदियां होंगी, तो वो हो जाएंगी झेलम, चिनाव, रावी, व्यास और सतलज। इसमें से ये जो पांच नदियां हैं, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, जब ये प्रवाहित होते हुए जाती हैं, तो अपने मार्ग में दुआबों का निर्माण करती हैं। ये नदियां जब प्रवाहित होते हुए जाती हैं, तो अपने मार्ग में दुआब का निर्माण करती हैं। दुआब होते क्या है, तो पिछली वीडियो में देखे होंगे आप लोग कि दुआब दो नदी के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच के, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, के बीच का क्षेत्र, इसी को दोआब कहते हैं। तो ये नदियां अपने मार्ग में प्रवाहित होते हुए जगह जगह पे कुछ प्रमुख दोआबों का निर्माण करती हैं। तो इनमें से अगर प्रमुख दोआबों को देखा जाए, तो ऊपर नदी है सिंधु नदी, और ये नदी है झेलम नदी। तो सिंधु और झेलम नदी के बीच में यहाँ पर जो प्रमुख दोआब का निर्माण होता है, इस दोआब का नाम है सिंधु सागर दोआब। इसका नाम है सिंधु सागर दोआब। और फिर इसके बाद झेलम और ये चिनाव नदी है। तो झेलम और चिनाव नदी के बीच यहाँ पर जिस दोआब का निर्माण होता है, इसका नाम है चाज दोआब। इसका नाम हुआ चाज दोआब। और इसके बाद ये रहा चिनाव और रावी नदी। तो चिनाव और रावी नदी के बीच में जो दोआब का निर्माण होता है, इसका नाम है रचना दोआब। और इसके बाद ये रही रावी नदी और ये व्यास नदी। तो रावी और व्यास के बीच में जिन दोआबों का निर्माण होता है, इसको कहते हैं बारी दोआब।
ये हो जाएगा भारी दबाव, और इसके बाद ये रही द्रास नदी और ये सदाज नदी। तो इन दोनों के बीच में जो दोआब का निर्माण होता है इसको कहते हैं विष्ट दोआब, ये हो जाएगा विष्ट दोआब। अब इसको देखिए, इन दोआबों को याद करना बहुत ही आसान है। जैसे कि जो विष्ट दोआब है, अगर कभी ये पूछे कि विष्ट दोआब किन नदियों के बीच में है, तो जैसे इसका नाम है कि विष्ट दोआब, तो वी से जो व है यहाँ से याद रख लेंगे कि वी से व्यास नदी, और जो स ट है यहाँ से सतलज हो जाएगा। तो विष्ट दोआब व्यास और सतलज के बीच में स्थित है। इसी प्रकार से जो बारी दोआब है तो ब से याद कर लेंगे, व्यास री से रावी नदी, ठीक है ना, हो जाएगा। और इसके बाद ये जो है रचना दोआब, तो रचना दोआब र से याद करेंगे रावी नदी, चना से याद कर लेंगे चिनाव नदी। इसके बाद है चाज दोआब, तो च से याद रखेंगे चिनाव नदी, ज से याद रखेंगे झेलम नदी। और उसके बाद है सिंधु सागर दोआब, तो सिंधु सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच यहाँ पे स्थित है। इसमें अगर सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात किया जाए कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, ये सिंधु नदी की कुल लंबाई है। और अगर इसकी बात किया जाए कि इसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है, तो भारत में इस सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर, ठीक है ना। भारत में इसकी कुल लंबाई जो है ये 1114 किलोमीटर है। और ये है सतलज नदी, तो इसका उद्गम होता कहाँ से है, तो इस नदी का उद्गम इसी तिब्बत में स्थित एक झील है, झील का नाम है राकस ताल। ये झील का नाम है राकस ताल, ये राकस ताल इसी मानसरोवर झील के पास स्थित है, और यहाँ से उद्गम होता है सतलज नदी का। और इसकी जो कुल लंबाई है, सतलज नदी की जो कुल लंबाई है, तो इसकी कुल लंबाई है 1500 किलोमीटर। और अगर भारत में देखें इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भारत में ये है 1050 किलोमीटर। तो ये तो हो गई सतलज नदी। अब इन नदियों में अगर ये देखा जाए, अगर हम ये पूछें कि वैसे तो ये झेलम चिनाव रावी व्यास सतलज ये सब की सब सिंधु की सहायक नदियां हैं, लेकिन इन पांचों में से सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, देख सकते हैं कि इसमें से जो चिनाव नदी है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। चिनाव नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, और इन पांचों नदियों में से जो चिनाव नदी है यही बस आके यहाँ सिंधु नदी में मिली है। और सिंधु नदी में ये जहां पर मिलती है, तो पाकिस्तान में एक जगह है मिठानकोट, मिठानकोट, तो पाकिस्तान के मिठानकोट में ये चिनाव नदी सिंधु नदी में आके मिल जाती है। और इसके पहले चिनाव नदी के सिंधु नदी मिलने से पहले अन्य जो इसकी सहायक नदियां हैं वो सब के सब आके इसी में मिल जाती हैं। यानी कि जो चिनाब है ये हो गई सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, और चिनाब में देखा जाए तो ये जो है सतलज नदी, तो ये आके मिल गई है चिनाब नदी में। यानी कि चिनाब की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी, तो वो होगी सतलज नदी। और सतलज की सहायक नदी कौन सी होगी, तो ये होगी व्यास नदी। और चिनाब की सहायक कौन कौन सी होंगी, तो ये होंगी झेलम और रावी नदी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। अब इसमें ये देखा जाए कि जो सिंधु नदी है ये चीन भारत पाकिस्तान तीन देशों से होके बहती है, तो इसमें इस सिंधु नदी के जल को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता रहता है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता है। तो इस विवाद को कहते हैं सिंधु नदी जल विवाद। इस विवाद के अंतर्गत जो भारत है वो इस सिंधु नदी के जल का, भारत सिंधु नदी के जल का 20% यूज करेगा, ठीक। और जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान इस सिंधु नदी के जल का 80% यूज करेगा। सिंधु नदी जल विवाद के अंतर्गत जो भारत है वो इस सिंधु नदी के जल का 20% और जो पाकिस्तान है ये इसका 80% जल का यूज करेगा। तो इस प्रकार से जो सिंधु नदी तंत्र है ये पूरा हो गया। और वीडियो कैसे लगी आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।